मैं आपसे 5-10 मिनट के लिए खजूर के पेड़ के बारे में बताना चाहता हूँ। खजूर के पेड़ की विशेषता और उसके डालियाँ जो वे बिछा रहे थे उसकी विशेषता मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरे साथ अगर आप निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 34वां अध्याय उसका 3रा आयत, व्यवस्था विवरण 34:3, व्यवस्था विवरण 34:3। और दक्षिण देश और सोअर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई। लिखा है यरीहो नगर जो है खजूर वाला नगर था, पाम सिटी क्यों बोला जाता था? क्योंकि उस शहर के चारों तरफ खजूर के पेड़ थे। बहुत ही सुंदर नगर था यरीहो नगर, जेरिको, सिटी ऑफ जेरिको। पूरा शहर खजूर के पेड़ से भरा हुआ नगर है। चारों तरफ यरीहो के खजूर का वृक्ष है, खजूर का पेड़ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम पुराने नियम के पुस्तकों को पढ़ते हैं तो अभी के संदर्भ में अगर देखेंगे, ये यरीहो नगर हमारे कलीसिया को दर्शाता है और एक खजूर का पेड़ हम सबको दर्शाता है जो कलीसिया की सुंदरता बढ़ाता है। कलीसिया हमारी सुंदरता बढ़ाता है और हम कलीसिया की सुंदरता बढ़ाते हैं। खजूर का पेड़ से भरा हुआ शहर यरीहो नगर, हालेलुया, यरीहो नगर। तो हम में से हर एक लोग कलीसिया में महत्वपूर्ण है, हालेलुया। हम में से हर एक लोग कलीसिया में महत्वपूर्ण है। हम कलीसिया की शान है, कलीसिया की सुंदरता बढ़ाने वाले हैं। हम वो खजूर के पेड़ हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 92, भजन संहिता साम 92 उसका 12 पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, हालेलुया। लिखा है खजूर के समान धर्मी लोग फूले फलेंगे। हम धर्मी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम और आप धर्मी ठहराए गए हैं। विश्वास करते हैं, ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। बाइबल के अनुसार, बाइबल का आशीष ये है, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है खजूर का पेड़ के बारे में अगर देखेंगे तो आप पाएंगे 80 फीट 90 फीट तक जाता है लंबाई में, हालेलुया। चौड़ाई कम होता है लेकिन लंबाई बढ़ता जाता है 80-90 फीट, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे अगल बगल के पेड़ बढ़ रहे कि नहीं ये मायने नहीं रखता, लेकिन हम बढ़ेंगे फूले फलेंगे क्योंकि हम खजूर के पेड़ हैं। समझ पा रहे? ताली बजाते हो परमेश्वर के नाम की महिमा करें, हालेलुया। हमारे अगल बगल के पेड़ की विशेषता क्या है, वे फूलेंगे फलेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन हम फूलेंगे और फलेंगे क्योंकि उसके वचन में लिखा है धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं याद करता हूं जब मैं कक्षा 12 में था, उस समय मैं मेरे को मन में था मुझे इंजीनियरिंग करना है, लेकिन सबसे भारत में इंजीनियरिंग करने का सबसे अच्छा कॉलेज जो हुआ करता था IIT और NITs। मुझे याद है कि IIT का एग्ज़ाम लिखना होता है, बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम होता है। मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। मुझे याद है मैं IIT का एग्ज़ाम लिखा, रिजल्ट आज तक मैं नहीं देखा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं था। मुझे पता था कि मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं कोई प्राइवेट कॉलेज से मैंने किया, अपना इंजीनियरिंग किया। लेकिन मैं ये वचन को मनन कर रहा था। उसके बाद मैं देख रहा था, मैं कुछ जगह पर अपने PhD के लिए मैं कोशिश कर रहा था। मैं कोशिश भारत में करना शुरू ही किया क्योंकि दूसरे एक सर ने मुझसे बोला था कि चलो हम लोग कोशिश करते हैं। हाँ, मैं भी उस सर के साथ कोशिश करने लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, IIT का एग्ज़ाम तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरा एडमिशन NIT कॉलेज में हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उसके वचन में लिखा है धर्मी लोग खजूर के नहीं फूले फलेंगे। हम और आप, वी आर डिस्टाइंड, प्री डिस्टाइंड, हम परमेश्वर के वायदे के अनुसार फूलने और फलने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हमें पूछ नहीं सर ठहराएगा।
हालेलुया, वो हमें नीचे नहीं ऊपर ही रखेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके अगल बगल वाले कितने फूल रहे फल रही है मैंने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर आपको और हमको फूलने फलने ऊंचे स्थान तक पहुंचाने के लिए बुलाया है। हालेलुया, भजन संहिता 92:12 हमने पढ़ा। और पता है आपको, आप जब हम जब खजूर का पेड़ देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, हम पाते हैं ज्यादा जगह नहीं लेता, वो ज्यादा जगह नहीं लेता, थोड़ा सा जगह लेता है नीचे, फिर जितना हो सके ऊपर की तरफ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, धरती में है लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ने का जिज्ञासा है। हालेलुया, धरती में है लेकिन धरती के नहीं है, जितना ज्यादा ऊंचाई में जाकर आकाश को छू लूं, वैसे वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हम और आप भी उसी तरह बढ़ना है। हम और आप भी दुनिया के हैं लेकिन दुनिया में है लेकिन दुनिया के नहीं है। स्वर्ग को पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, स्वर्ग की ऊंचाई को छूने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम धरती में जरूर है लेकिन किस तरीके से हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, कब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, यह सोच हमारे अंदर हर समय मंडराना चाहिए। समझ पा रहे तो ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। यह विशेषता है खजूर के वृक्ष का। हालेलुया, आपको पता है और एक विशेषता मैं बताऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। हालेलुया, यहां पर लिखा है, एक दो विशेषता और बताता हूं। आपको पता है खजूर का वृक्ष 5 साल तक फल नहीं देता है, उसके बाद वो लगभग 1 साल, लगभग 100 साल तक फल देता है, 1 शताब्दी तक। 5 साल तक शुरुआत में फल नहीं देता है, उसके बाद 100 साल तक लगातार फल देता है। मेरे प्रिय जवान भाई बहन पास्टरों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा हो सकता है हम जिसको खाद देते हैं, हम जिसको पानी देते हैं, उससे हमें फल ना मिल रहा हो, शुरुआत में ना मिल रहा हो। कोशिश मत छोड़िए, कोशिश मत छोड़िए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कोशिश मत छोड़िए, क्योंकि खजूर का पेड़ फल जब देना शुरू करता है ना, तो ये 100 साल तक देता है। हालेलुया, 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 आपका प्रयत्न व्यर्थ नहीं है। खाद देते रहिए, ओ पानी देते रहिए, क्योंकि ये एक ना एक दिन फल देना शुरू करेगा। हालेलुया, एक और विशेषता मैं आपको दूंगा, बताऊंगा। ये जो खजूर का पेड़ है, इसका पत्ता जो होता है एकदम ऊपर होता है, मानो क्राउन, मुकुट हो, उस पेड़ का मुकुट हो पत्ता। हालेलुया, उस पेड़ का मुकुट वो पत्ता रहता है। आपको पता है खजूर का पेड़ बोला होगा, मैं मुकुट जरूर हूं लेकिन यीशु के पैरों के नीचे है मेरा शोभा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है वो खजूर के पत्तों को तोड़कर यीशु जहां पर से जाने वाला था, यीशु के पैर के नीचे, यीशु जहां से गुजरने वाला था उस जगह पर बिछा दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मुकुट हमारी कामयाबी, हमारी तोड़े, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे कामकाज, हमारे हर उपलब्धियों को दर्शाता है। ये सारे उपलब्धि यीशु के पैर के नीचे होना चाहिए। समझ पा रहे, ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। हालेलुया, हालेलुया। सच्चा आराधना, सच्चा आराधना, आपको पता है बाइबल में प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, बुजुर्ग लोग खड़े थे खजूर के पत्तों के साथ, वो अपने क्राउन को, अपने मुकुट को यीशु के सामने नीचे रखकर उसकी आराधना कर रहे थे। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सच्चा आराधना यही है, सच्चा आराधना यही है। हालेलुया, वो पेड़ का मुकुट, वो डालियां काट कर यीशु के उस रास्ते पर डाल दिया गया।